नॉर्मली अगर हम अपने जीवन को देखें तो हमारे अंदर शकुनी और कृष्ण के किरदार हमेशा विद्यमान रहते हैं। इस संसार में सभी लोग अलग-अलग प्रकार से जीवन को जीते हैं। कुछ लोग जीवन में विभिन्न प्रकार के सुखों को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के समझौते को करने के इच्छुक होते हैं। हम लोग अपने जीवन की प्रारंभिक चरण में शिक्षा प्राप्त करते हैं। लगभग सभी लोग ये सीखते हैं कि हमें अपने जीवन के जो भी सुख प्राप्त करने हैं उसके लिए परिश्रम करना आवश्यक है। चाहे वो हमारे माता पिता समझाएं, चाहे वो हमारे आसपास का वातावरण हमें समझाए, लेकिन प्राय सभी लोगों को इस प्रकार का ज्ञान, इस प्रकार की शिक्षा मिलना संभव नहीं होता है। हमारे आसपास, हमारे समाज में कई प्रकार के अनावश्यक या आप एक तरीके से कह सकते हैं अप्रचलित तरीके हैं जिससे हम इस जीवन को एक दूसरे प्रकार से, एक दूसरे तरीके से जीतने की या चलाने की कोशिश करते हैं। हम सभी जानते हैं किसी भी कार्य को करने के दो ही तरीके होते हैं, जैसे कि एक विध्वंसक तोड़फोड़ करके या जोर जबरदस्ती करके, और एक रास्ता होता है जिसमें हम लोग थोड़ा मेहनत करके, क्रिएटिव होके, नई चीज़ें पैदा करके और लोगों का सहयोग प्राप्त करके आगे बढ़ते हैं। ये देखा जाता है कि जो विध्वंसात्मक प्रक्रिया होती है वो आसान होती है, क्योंकि किसी चीज़ को तोड़ना, किसी बने बनाए प्रक्रम को तोड़ना बहुत आसान होता है। आप उस चीज़ को या तो मना कर दीजिए या उस चीज़ को आप कोई तोड़ दीजिए या किसी ग्रुप के सहायता से, किसी टीम की सहायता से, किसी प्रकार की पब्लिक के सहायता से, मॉब की सहायता से आप उसको ब्रेक कर देते हो। आप ये सोचते हो कि मैंने इस चीज़ को तोड़ा तो मैंने इसमें कुछ रचनात्मक कार्य करके इस चीज़ के विरुद्ध अपनी एक विचार को या अपने किसी कर्म को बढ़ा दिया। ये जो तर्क होता है हमें कुटिल बनने के लिए प्रेरित करता है। क्या कुटिलता हमारे जीवन में आवश्यक है? क्या विध्वंस करना, तोड़ना, फोड़ना, पराक्रम कहीं और ना दिखाकर अपनों के बीच में पराक्रम दिखाना और बने बनाए समाज में जो व्यवस्था है, जो शांति है, उसको भंग करके अपने तरीके से, या कह लीजिए कि ऑथोरिटेरियन एक तंत्र आप जो कोशिश करते हैं बनाने की, उससे क्या समाज में या आगे आने वाले समाज में हम किसी का भला कर सकते हैं? मैं गिरिराज सिंह दशा दिशा के इस एपिसोड में आज कुटिलता के ऊपर कुछ बात करूँगा। क्या हमें कुटिल बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? और महाभारत का एक बहुत ही जो प्रसिद्ध व्याख्यान है कि शकुनी या कृष्ण में कौन कुटिल थे, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हम सभी को पता है कि महाभारत में दो कैरेक्टर्स, दो किरदार जो हैं वो प्रमुख हैं। एक हैं मामा शकुनी और एक हैं गोविंद कृष्ण। दोनों ही विभिन्न प्रकार की कूटनीति में प्रकांड विद्वान थे। हम ये मान सकते हैं कि कृष्ण अगर धर्म के पक्ष में थे और तो शकुनी जो हैं उनके विरुद्ध अधर्म के पक्ष में थे, और दोनों ही अपने अपने धर्म को बखूबी निभा रहे थे। दुर्योधन जो कि एक अयोग्य पात्र था हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठने के लिए, उसको किसी भी प्रकार से, चाहे वो साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से
किसी भी प्रकार की कुटिलता को अपनाकर, चाहे उसमें आपको अपने शत्रुओं के बच्चों का विनाश करना पड़े, अपने रिश्तेदारों के बच्चों का को जहर दे के मारना या उनको जला के मारना या उनके परिवार की बहुओं का अपमान करना या किसी भी प्रकार के छद्म और छंद ये द्वंद कराना, किसी प्रकार की पारिवारिक द्वंद को बढ़ावा देकर अंतिम तरीके से महाभारत में का युद्ध कराना और उसमें पराक्रम ना दिखाकर केवल कूटनीति का सहारा लेते हुए ही युद्ध करना, ये शकुनि का प्रयोग रहा है। इसके विपरीत कृष्ण, जिनको हम धर्मगुरु, युग पुरुष और न जाने कितने तरीके से ईश्वर रूप मानकर संसार में पूछते हैं, हम ये जानते हैं कि संसार में कृष्ण का जो स्थान है एक अभूतपूर्व युगांतर पुरुष, एक अभूतपूर्व महायोगी के बारे में विख्यात है। उन्होंने निशस्त्र रहकर भी महाभारत के इस विशाल युद्ध को संचालित किया। उन्होंने अपनी कूटनीति से, अपनी बुद्धिमत्ता से पांडवों को प्रत्येक चालों में, शकुनि की प्रत्येक चालों से बचाते हुए हर बार ये कोशिश करके कि धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो और ईश्वर और संसार या प्रकृति सदैव धर्म की तरफ ही झुकी रहती है और बिना धर्म के इस संसार का भला नहीं होने वाला है, इन्होंने इस बात का संधान किया। हम सभी यही सोचते हैं कि इस प्रकरण का हमारे जीवन से क्या महत्व है। नॉर्मली अगर हम अपने जीवन को देखें तो हमारे अंदर शकुनि और कृष्ण के किरदार हमेशा विद्यमान रहते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी कार्य को दोनों तरीके से किया जा सकता है, किसी कुटिलता से भी किया जा सकता है जिसमें आप अपने सुख को प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे के सुख का विध्वंस कर सकते हैं, किसी दूसरे के सुख के ऊपर पांव रखकर या उसको रौंद कर आगे निकल सकते हैं, या एक कृष्ण की भांति दूसरे के धर्म को बढ़ावा देकर अपने पीछे आने वाले जितने भी आपके परिवारजन हैं, आपके मित्र हैं और आपके, अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपके पीछे चलने वाले जो आपके अनुयायी हैं उनको आप कुछ नई शिक्षा, कुछ नए प्रकार से समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो क्या हमारा मकसद इस जीवन में कुटिल बनना है? हम अगर हम छोटे स्केल में देखते हैं, हम ये आजकल सब जगह देख रहे हैं। देखिए, हम आजकल ये चीज़ हर जगह, आजकल आप ये देख रहे हैं कि कोरोना वायरस का प्रकोप फैला होने के बावजूद आपके आसपास लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, आपके आसपास के लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है। अगर आप आसपास के लोगों को भी छोड़ देते हैं तो आप विभिन्न देशों में होने वाली जो मृत्यु दर है, जो कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों की जो संख्या है, उसके प्रति वहाँ की सरकारों की जो कुछ ना कर पाने की जो कहते हैं आपकी परेशानी, या वो नहीं कर रहे हैं या किसी कारणवश वो करना नहीं चाहते हैं, आप कुटिलता के किसी और स्तर को आप देखते हैं। आप ये समझते हैं कि क्या अगर मैं ऐसी परिस्थिति में फंसता हूँ या फंसती हूँ तो मैं क्या करूँ? क्या मैं अपने आप को कुटिल मानकर घर में बैठ जाऊँ, जैसा कि लगभग हर एक नेता, चाहे वो विश्व का हो, भारत का हो या भारत के बाहर का हो, या प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट बना के आप केवल उन्हीं जगहों पर जाना कि जहाँ पर आप किसी भी प्रकार का वायरस का प्रकोप ना हो, जनता के बीच में ना उतर के, जनता के लोगों की समस्याओं को ना देखकर आप केवल अपने कमरे में बैठकर आराम से नॉर्मली होकर बात करें, क्या ये उचित है? क्या उन कंपनियों का व्यवहार जो कि सामान बेच नहीं पा रही हैं और उनकी वजह से वो गवर्नमेंट पर फोर्स करती हैं, दबाव डालती हैं, इस प्रकार की कुटिलता अपना कर कि मैं किसी भी प्रकार से ये लॉकडाउन की व्यवस्था या किसी भी प्रकार से जो हम लोग सामाजिक दूरी बना के चल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का जो प्रयोग हम लोग कर रहे हैं जिससे इस कोरोना वायरस के प्रकोप का अंत हो पा रहा है,
तो क्या ये सही नहीं कर रहे हैं? आप अपने देश भारत के और विभिन्न अन्य देशों के जो मृत्यु दर है और कोरोना प्रभावित लोगों की दर है, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। एक सकारात्मक प्रयोग, कुटिलता रहित प्रयोग जिससे विध्वंस नहीं होता है, और एक जिसमें आपकी कुटिलता शामिल है, जिसमें लोगों के अंदर के मन की मानसिकता की जो कुटिलता है कि मैं सुखी रहूं, बाकी सब का मैं नहीं जानता, मैं किसी भी तरीके से उनकी केयर नहीं करना चाहता, भले ही मैं किसी भी प्रकार का नेता हूं, किसी भी प्रकार का आधिकारिक स्तर पर मेरे पास पावर है, लेकिन अगर मैं नहीं देखता तो क्या जाएगा? आप स्वयं समझदार हैं, कुटिल बनने से क्या इस देश की या किसी भी देश की समस्याएं, आपके आसपास के समाज की समस्याएं किस लेवल पे सुधर जाती हैं? ये चीज़ अगर हमें गौर करना है तो हमें अपने पुराने ग्रंथों से का ही सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए मैंने महाभारत का एक एग्जाम्पल दिया कि लाख कुटिलताएं आप कर लीजिए, मन में चाहे जितने आप विध्वंस के प्लान बना लीजिए कि मैं ये तोड़फोड़ कर दूंगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, या जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता आपको प्राप्त करनी है, जैसे कि एग्जाम में पास हो जाना है, शादी करना है, नौकरी पानी है, या पैसे कमाने हैं, या आपको किसी को हराना है, या किस अपने घर में आपको सबसे टॉप पर आना है, अच्छी बातें करके बड़ा बन के या बड़प्पन दिखा के आना है, लेकिन आप आ नहीं पा रहे हैं, रिश्तेदारों में आपको बड़ा दिखना है, सम्मान पाना है, या इस तरह की जो कई बातें होती हैं जिसमें आपके व्यवहार की जो समस्याएं प्रकट होती हैं कि मैं क्या करूं, क्या मैं शकुनी बन जाऊं या क्या मैं कृष्ण, तो आप हमेशा एक चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि शकुनी बन के भी उसने 18वें दिन युद्ध में उसको लोगों ने मार दिया, और आज भी किसी का नाम शकुनी नहीं रखा जाता है, जबकि जो कृष्ण थे उन्होंने तो युद्ध में पार्टिसिपेट भर किया, लेकिन उन्होंने धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ा, और उन्होंने सदा लोगों को गीता के माध्यम से यही सीख दी कि आप अपने निष्कर्म होके उस कर्म को करिए। अगर आप समाज का कल्याण करना चाह रहे हैं, अपने कल्याण से ज़्यादा अगर आप समाज का कल्याण करना चाह रहे हैं तो वो ज़्यादा उचित है और वो ज़्यादा प्रभावी होगा। आप उसमें किसी भी प्रकार की कुटिलता को अपना सकते हैं। कुटिलता का लेवल लेकिन समाज के भलाई के लिए होना चाहिए, ना कि अपनी भलाई के लिए, स्वयं की भलाई के लिए। समाज की भलाई का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आपकी उस कुटिलता या उस चतुराई की वजह से किसी के प्राणों की जाने की संभावना बनती है, या किसी को बहुत बड़ा लॉस होने की संभावना बनती है, लेकिन वो व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार से सत्ता में या किसी भी प्रकार से पद में या प्रतिष्ठा में आगे बढ़ता है, तो समाज में केवल और केवल बुराई फैल रही है, लोग उसको मान के और उससे ज़्यादा बुराई फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस चीज़ को करना सर्वथा उचित है। इसलिए चतुराई कुटिल बनना आवश्यक है, लेकिन अपने आप के अंदर के शकुनी को मार के और अपने आप के अंदर अंदर के कृष्ण को ऊपर उठाकर। आज के इस एपिसोड में यहीं तक, आगे वाले एपिसोड में मैं और भी नई जानकारियों के साथ प्रस्तुत होता हूँ। तब तक के लिए मैं गिरिराज सिंह आप सबसे विदा चाहता हूँ। स्वास्थ्य।